हेलो गाइस, तो कैसे हो यार। आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं जीपीयू माइनिंग के बारे में। मेरे पास चार कार्ड है। एक आरटीएक्स 3060 है जो कि अभी रिसेंटली परचेस किया था, एक आरटीएक्स 2060 है जो कि अब भी परचेस किया था सेकेंड हैंड मार्केट के अंदर, एंड एक 3060 सुपर, एक 1660 Ti। ओके, ये टोटल चार कार्ड्स हैं मेरे पास। एंड इनसे टोटल मेरे को ये तो माइन ये वट्टू माइन पे दिखा रहा है, मेरे को टोटल मिलता है इससे इथेरियम पर 130 मेगा हैश, बट ये सही नहीं है। मेरे को मिलता है 140 प्लस मेगा हैश मिलते हैं। ओके, एंड अभी जो इसके हिसाब से सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कॉइन है वो है इथेरियम। ओके, एंड सबको पता है कि इथेरियम जल्दी प्रूफ ऑफ स्टेक पे स्विच करने वाला है, एंड रेडिट पे डेट घूम रही है कि 15 सितंबर को मर्ज हो जाएगा फाइनली, बिकॉज जो अभी इसका टेस्ट नेट पे इन्होंने टेस्ट किया वो सक्सेसफुली हो चुका है मर्ज वहाँ पर। मतलब सारी चीज़ें ठीक रही, हैंडल कर लिया इनके टेस्ट नेट पे, सारी चीज़ें अच्छे से हो गई है। तो अब ये मेन नेट पे उसको अप्लाई करने वाले, एंड वो मर्ज होगा फाइनली, ठीक है। इथेरियम 2.0 आ जाएगा एंड ये प्रूफ ऑफ स्टेक पे स्विच कर जाएगा। कुछ कम्युनिटी में ये बात भी चल रही है रेडिट पे कि प्रूफ ऑफ वर्क आएगा, एक इथेरियम का प्रूफ ऑफ वर्क हार्ड फोर्क करके रख लेंगे, एंड माइनर्स शायद उस चीज़ को जा करने की ट्राई करेंगे, बिकॉज वो नहीं चाहते अपने हाथ से एक अच्छा अर्निंग का मौका जाने देना। होगा कि ये कि जो इथेरियम होल्डर्स हैं उनके पास उस हार्डवेयर का एयर ड्रॉप होगा एंड वो उसको सेल करके भी पैसा बना सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है इसके चांसेस कम है एंड ये कोई सेंस नहीं बनाता, बिकॉज इथेरियम क्लासिक ऑलरेडी इथेरियम का एक फोर्क है। इनफैक्ट इथेरियम क्लासिक खुद को अपनी ओरिजिनल इथेरियम चेन बोलता है एंड उसका फोर्क इथेरियम है, एंड उसके साथ भी एक दिक्कत है। मुझे ऐसा लगता था कि इथेरियम क्लासिक पहले तो मतलब धक्का लगा था इथेरियम के सारे, वो चल गया बिकॉज ऐसी कुछ खास यूटिलिटीज़ है नहीं उसके ऊपर। जो भी डैप्स वगैरह बन रही है इथेरियम के ऊपर ही बंदे बना रहे हैं, या और भी जो है लेयर वन सोल्यूशन है जो इथेरियम की दिक्कतें, जैसे लो गैस फी एंड फास्ट ट्रांजेक्शन वगैरह लाइक सोलाना, एंड ये सब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए एंड चले भी। तो इथेरियम क्लासिक उतनी सेंस नहीं बनाता, बट इथेरियम की माइनिंग बंद होने के बाद इथेरियम क्लासिक सेंस बनाना स्टार्ट करेगा। बट एक दिक्कत है वहाँ पे जीपीयू माइनर्स के लिए, एसिक माइनर्स आ गए हैं इथेरियम क्लासिक के, दैन उनके साथ कम्पीट करना थोड़ा मुश्किल है। एंड कॉर्नफ्लक्स, फ्लक्स, रेवन एंड अर्गो, ये जो और चार कॉइन है इनकी ऑलरेडी एक अच्छी हाइप है क्रिप्टो कम्युनिटी के अंदर, एंड फिरो भी ठीक ठाक है, बट इससे बेटर ये अर्गो है अपना, कॉर्नफ्लक्स, फ्लक्स एंड रेवन, ठीक है, जो माइनर कम्युनिटी के परस्पेक्टिव से बता रहा हूँ। उन लोगों के बीच जो बात चलती है रेडिट वगैरह पे वो इनको प्रेफर कर रहे हैं। एंड एक जो हिडन जेम बोल सकते हैं वो है नियॉक्स, नियॉक्सा कुछ करके ये कॉइन है। ये एक्चुअली है क्या कि ये अभी अभी मई के अंदर, इसी ईयर 2022 में मई के अंदर इसको क्रिएट करा गया एक तरीके से, एंड ना ही ये किसी बड़े एक्सचेंज पे लिस्ट है। इसकी जो वॉल्यूम है वो बहुत कम है यार। इसकी ट्रेडिंग USDT या लाइट कॉइन पे, वो भी ट्रेड ओकरे पे हो रही है, एक दो एक्सचेंजेस हो रहा है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब इसकी रैंक भी देख लो, एक तरीके से अनरैंक्ड ही है, कोई खास मार्केट कैप कुछ नहीं है। जाहिर सी बात है पूरा मार्केट नीचे है तो ये भी नीचे ही है, एंड कंपेरेटिवली नया कॉइन है काफ़ी ज़्यादा, बट जिस हिसाब से ये ग्रो कर रहा है ना, मतलब बात चल रही है इसकी रेडिट वगैरह पे और वो हर जगह, तो उससे देख के लगता है कि हाँ इन फ्यूचर कुछ ठीक ठाक ही कर सकता है। किसी बड़े एक्सचेंज पे लिस्ट होगा तो ये तो गजब ही डा देगा। वही अभी ये कितने जीरो है भाई देख लो, भी ट्रिलियंस में सप्लाई होगी इसकी। ये तो गेमिंग वगैरह इसके साथ इन्होंने गेम वगैरह ना डाली है, जैसे देखो गेम सर्वर्स क्या है रस्ट के साथ तो इनका अभी एक्टिव है, ये माइनक्राफ्ट के साथ वो ट्राई कर रहे हैं, जैसे पॉपुलर गेम्स के साथ ये इसको मतलब इम्प्लीमेंट कर देते हैं गेम्स के साथ। तो आप क्या कर पाओगे, गेम खेल के आप इसको अर्न कर सकते हो। प्रूफ ऑफ गेम एंड प्रूफ ऑफ वर्क का इनका कॉन्सेप्ट है नियॉक्स का, जिसमें आप सिर्फ 10% के अराउंड गेमिंग करके अर्न कर सकते हो एंड बाकी माइनिंग करके आप अर्न कर सकते हो 80% 90% जो कॉइन्स हैं आपके। ओके, एंड इन गेम आप परचेज वगैरह कर सकते हो न्यूक्स टोकन के साथ, तो वो बर्निंग मैकेनिज्म भी ये बोला है इनके वाइट पेपर में सब था, ठीक है। अभी गो थ्रू करना मुश्किल हो जाएगा उससे, तो जो मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ उसके बारे में मैंने पढ़ा है। तो ये अभी गेम सर्वर्स एक्टिव है सिर्फ रस्ट पे, माइनक्राफ्ट पे काम कर रहे हैं, फोर्टनाइट वगैरह इन गेम्स में भी इसको इम्प्लीमेंट करने का सोच रहे हैं। वैलोरेंट जैसे गेम में ही आता है, माइनक्राफ्ट के अंदर ही आता है, फोर्टनाइट के अंदर आता है, देन इसकी बहुत तगड़ी हाइप होगी, यानी कॉइन लिटरली एक बूम कर सकता है प्राइस एक्शन इसका। तो थोड़ा बहुत मैं इसको माइन करने वाला हूँ, यानी जाहिर सी बात है ये ट्रस्ट वॉलेट वगैरह किसी भी वॉलेट वगैरह पे है नहीं, एंड तो यहाँ से इनका जो वॉलेट है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। अब ये तीन एक्सचेंजेस पे चल रहा है, ट्रेडोग्रे, टेक्स, RTX, bit.io,
एंड ये क्या है भाई, जैक्स बिट्रॉन, तो इनके ऊपर है ये कॉइन अभी फिलहाल। तो कुछ खास अभी एक्सचेंजेस वगैरह पे आया ही नहीं है। हाँ ये रहा, 85% प्रूफ ऑफ वर्क है, 10% प्रूफ ऑफ गेम है, 5% शायद इनके जो टीम वगैरह है उनके रिजर्वों का जो भी है, ठीक है। तो ये कॉइन मैं थोड़ा बहुत माइन करने वाला हूँ, ठीक है, मैं करने वाला हूँ, आपको नहीं बोल रहा हूँ माइन करने को, बिकॉज क्रिप्टो स्पेस के अंदर कुछ भी हो सकता है। आपकी आपका पैसा है, आपकी मशीनरी, आपका हार्डवेयर है, आपके रिसोर्सेज है, देन वो आपको ही अपने रिसर्च करके यूज़ करना है। आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हो, नहीं अच्छा लगता तो नहीं कर सकते। बाकी जो फाइव फाइव कॉइन्स है वो अपने मैंने ये डाले हुए जो मैं माइन करने वाला हूँ, इथेरियम क्लासिक को मैंने ऐड करा है, इसको मैं माइन करने वाला हूँ, रेवन को माइन करने वाला हूँ, फ्लक्स एंड फ्लक्स को तो मैं पहले आप प्रेफरेंस दे रहा था, फ्लक्स ओएस की वजह से, वेब 3.0 का प्रोजेक्ट है, एंड मे बी जैसे अभी मीम और मेटावर्स की हाइप है तो वेब 3.0 की हाइप रहेगी। ये मतलब ICP के सिमिलर है, जो इंटरनेट कंप्यूटर है ना, इन्फिनिटी वाला, उसके सिमिलर सा प्रोजेक्ट है ये। तो अभी ये जो 6 कॉइन्स हैं मैं इनको माइन करने वाला हूँ, इन फ्यूचर कोई अच्छा कॉइन आता है एंड उसको माइन करने का ट्राई करेंगे। तो यही वीडियो थी, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।